वेलकम टू माय चैनल खुशी एंड कियारा। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज मैं को आपको रेमेडी बताने जा रही हूँ जिसको लगाने से आपके सफ़ेद बाल, ये देखिए मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया है। मैं मेहंदी नहीं लगाती हूँ, पहले मैं मेहंदी लगाती थी बट मैंने अब मेरे किसी ब्लैक हेयर है, इधर इधर ब्राउन से दिख रहे होंगे आपको, देखो अब इसको मैं ब्लैक करना चाहती हूँ, नहीं दिख रही वाइट। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मैं अब होम रेमेडी यूज़ कर रही हूँ जो नेचुरल है, आप अगर उसको लगाएंगे तो आपके वाइट बाल भी सफ़ेद हो जाएंगे, सफ़ेद बाल भी ब्लैक हो जाएंगे, पर इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा। एलोवेरा तो आप जानते ही होंगे, सबसे पहले आप सूखा एलोवेरा लेकर आइए या उसका पाउडर ला सकते हैं। मैं तो आंवला पाउडर आंवला लेकर आई थी, आंवला लाई हूँ, लोहे की कढ़ाई में मैंने रखा उसको, थोड़ा सा मैंने लेके आई, अभी आपको दिखाते हैं। ये है आंवला, आंवला मैंने थोड़ा सा इसमें आंवला डाला और आधा कप या एक कप पानी डाल के उसको आप लोहे की कढ़ाई में रख के उस एक कप पानी को आधा कप हो जाने दीजिए, जल जाएगा थोड़ा पानी, तो उसको रात भर मैंने भिगो के रख दिया है। आप फिर देख सकते हैं कितना काला हो गया है पानी, कितना काला पानी हो गया है। अब इसको सर में अगर आप लगाते हैं, अपने बालों में लगाते हैं, हेयर पे, वाइट हेयर पे लगाते हैं, तो आपके वाइट बाल भी धीरे धीरे ब्लैक होने लग जाएंगे। इस प्रोसेस में टाइम लगेगा। अब ये बिल्कुल लिक्विड है, मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट, ये देखो बिल्कुल लिक्विड है, तो ये बिल्कुल लिक्विड है, तो ये आपके बालों से नीचे गिरने लग जाएगा जब आप इसको लगाएंगे। तो इसके लिए मैं एलोवेरा लेकर आई हूँ, मेरे घर छत पे लगा रखा है, मैंने आपको दिखाया ही था। एलोवेरा मैं ले आई हूँ, एलोवेरा को मैं छील के मिक्सी करके इसमें मिला लूंगी और इसको मिला के मैं आपको भी थोड़ी देर में दिखाती हूँ। तो गाइस ये मैं एलोवेरा छील रही हूँ, एलोवेरा पानी लगाना है? हाँ, ये एलोवेरा छील लिया है, देखो ये मैंने छील लिया है, इसका मैं गुदा निकाल लूंगी अंदर का, ये देखिए। जय श्री राम। इसका अंदर का जल आप अच्छे से निकाल लो, अगर आपके पास नहीं है तो आप रेडीमेड भी ले सकते हैं, अगर बट सबसे अच्छा अगर आप लेप से निकालें जल, घर वाला ज्यादा बेस्ट रहेगा। ये जल निकाल लिया है, इसका मैं पेस्ट बना लूंगी, अब इसका पेस्ट बना लेंगे। तो गाइस थोड़ा सा कटोरी में आंवला जो भी भिगोया था वो ले लिया है, अब इसके अंदर देखें, ये मैं एलोवेरा जल मैंने मिक्स कर दिया है, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने ये बना लिया है, देखिए आप गिर गया, बना लिया है एलोवेरा जेल और आंवला, इन दोनों को मिला लिया है। आपको ये कपड़ा लगा सकते हैं क्योंकि ये जहाँ पे भी गिरेगा काला हो जाएगा, देखिए ये ब्राउन है ना, एकदम ब्लैक हो जाएंगे, बट इसमें टाइम लगेगा। मैं इसको 4 से 5 बार लगा चुकी हूँ, ठीक है, मैं आपको दिखा के लगा। अगर आपके पास हेयर ब्रश है तो आप हेयर ब्रश से लगा सकते हैं, या नहीं भी है तो आप ऐसा ब्रश ले सकते हैं, फिलहाल काम चलाओ। इंडिया जुगाड़, इंडियन जुगाड़, ये देखिए आप,
अलेक्सा। आजकल छोटे बच्चों भी वाइट बाल हो जा रहे हैं। ये पूरे हेयर पे आप ऐसे अप्लाई कर लेना और 3 से 4 घंटे बाद आप वॉश भी कर सकते हैं या अगले दिन आप वॉश कर ले। शैम्पू नहीं करना है, आप सिंपल इसको वॉश करके, सिंपल से इसको वॉश करके और उसके अगले दिन आप शैम्पू कर लें। यानी कल अगर आप बाल धोते हैं तो सरसों का तेल अच्छे से सर में लगा लो ताकि ये इसका कलर चढ़ जाए और उसके नेक्स्ट डे आप शैम्पू कर सकते हैं। तो गाइज, मैंने जहाँ जहाँ वाइट बाल थे, फिलहाल मैंने सारे बालों में लगाया नहीं है क्योंकि ठंड बहुत है, और जहाँ जहाँ आपके वाइट बाल हैं आप वहाँ लगा सकते हैं, ये आपके बालों को नुकसान नहीं करेगा। और आंवला और एलोवेरा हमेशा बालों में फायदेमंद ही है, आपका हेयर फॉल से आपको बचाएगा। तो गाइज, आप इस पर इसको लगा के देखना। मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ ताकि आप लोग भी इसको अप्लाई कर सकें। ये देखो टपक रहा है। आप इसके अंदर मेहंदी भी डाल के लगा सकते हैं, वैसे मेहंदी भी नुकसान नहीं करेगा। गाइस, ये देखिए ये मेरे पूरे बालों में लगा लिया अच्छी तरीके से। आगे अब इसको मैं कल हेयर वॉश करूँगी। गाइस, अब इसको दोनों आप अपने बालों को अच्छे से बांध लेना। इसको बच्चे भी लगा सकते हैं। आप एक बार ये लगा के जरूर देखना, आपको अपने बालों में फर्क नजर आएगा। ये देखो कितने मैंने लोहे की कढ़ाई में रखा था। ये भी तो आप गाइस, आपको कैसे लगे मेरी वीडियो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, और ये रेमेडी आप एक बार जरूर यूज करके देखना, आपके बालों के लिए फायदा करेगा, हेयर फॉल कम करेगा, आपके बालों की ग्रोथ होगी। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ क्योंकि मैं कब से करती आ रही हूँ। ठीक है सर, सॉरी। ठीक है गाइस, तो आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बाय, हम कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में आपके साथ। बाय।